अच्छा जी, तो लास्ट हमने पढ़ा डिसीजन बाउंड्री का। इस यहां तक जो भी हमने किया है, तो इसमें हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे पास ट्यून्ड है, ऑल द पैरामीटर्स, लेट्स से कैपिटल थीटा, ठीक है, ये आपके पास ट्यून्ड है। अभी तक यही हमने किया। अब हम बात करेंगे कि इनको ट्यून कैसे किया जाता है, हाउ टू फाइंड यूनिट, और फिर हमारे पास ये डिसीजन बाउंड्री भी सेंस बनाएगी, फिर हमारे पास जो है ये हाइपोथेसिस में जो हमने बात की सिग्मोइड फंक्शन की, कि इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.5 तो वो प्रिडिक्ट करे कि वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये बात भी सेंस बनाएगी, लेकिन इसके लिए पैरामीटर्स का ट्यून होना जरूरी है, तो उसको कैसे किया जा सकता है। सो फॉर दैट वील सी के हाउ इट कैन बी डन। और इसमें एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि हमारे पास जो सिग्मोइड फंक्शन हम बात करते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स आगे है, हम जाके पढ़ेंगे, वो भी आपके पास जो है ना, उसका जो आउटपुट होता है वो भी आपके पास एक डिस्क्रीट आउटपुट होता है, कि आप कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल गाड़ी, फॉर एग्जाम्पल अगर एक कार है, एरोप्लेन है, ठीक है जी, या कार्ट है फॉर एग्जाम्पल, या कोई और चीज है, तीन चार चीजें, तो आप जो है इस उसमें आउटपुट बताते हैं कि इनमें से कौन सा जो है, इस टाइम अगर हम कंप्यूटर विजन की बात करें कि फॉर एग्जाम्पल ये हो जाता है 1000, तो आप कहते हैं कि कार जो है ये इस ये डिटेक्ट हुआ है, ये कार है। सो उसमें हम जो है, जो हमारे पास ये सिग्मोइड फंक्शन है, इसको एज एन एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते हैं आगे जाके, फॉर टाइम बीइंग इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, सो इफ यू नो द लॉजिक ऑफ सिग्मोइड फंक्शन, सो यू नो यू विल बी एबल टू डू सम वर्क रिलेटेड टू न्यूरल नेटवर्क्स एज वेल, क्योंकि न्यूरल नेटवर्क में हर नोड जो होता है, हर नोड उसमें एक सिग्मोइड फंक्शन लगा होता है। न्यूरल नेटवर्क की कभी शक्ल देखिए किस तरह दिखती है, अगर न्यूरल नेटवर्क को हम देखें ना, तो वो आपके पास यहाँ पे इनपुट्स होते हैं जितने भी हैं डेटा आपका, फिर ये डेटा यहाँ जा रहा है इस नोड, इनको नोड्स कहते हैं, ठीक है जी, इसका ये डेटा यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, और एंड में एक आउटपुट होता है यहाँ पे, ये हाइपोथेसिस यहाँ पे जनरेट होती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपके पास पास ऑन हो रही है ना, ये जो नोड्स को, ये नोड हो गया, आउटपुट नोड हो गया, इधर आपके पास एज एन एक्टिवेशन फंक्शन सिग्मोइड या बहुत सारे और फंक्शंस हैं जो यूज होते हैं, ठीक है जी, सिग्मोइड हो गया एक बड़ा मशहूर है, रील, RELU, सर्च कीजिएगा, ठीक है, उसकी शक्ल आई नॉट श्योर कैसे बनती है, लेकिन मेरे ख्याल से बिल्कुल स्ट्रेट ही होगी, उसमें कर्व शायद नहीं होता, ठीक है जी, वो देख लें, तो आपके पास ये रीलू फंक्शन के वक्त दिखता कैसे है, और इस तरह बहुत सारे फंक्शंस हैं। सो ये तो हम सिर्फ एक पढ़ रहे हैं ना, सिग्मोइड फंक्शन को यूज करके हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। सो वील सी लेटर कि कौन कौन से हैं, टॉक अबाउट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट फंक्शन, कि कॉस्ट फंक्शन हमारे पास, इससे पहले आपको अगर स्टेप याद हो लीनियर रिग्रेशन के, तो लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास सबसे पहले होता था, सबसे पहले हमारे पास होता था कॉस्ट फंक्शन, जो हम फाइंड करते थे कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू को, हम देखते थे कि कॉस्ट फंक्शन क्या है फॉर सर्टेन पैरामीटर्स, हम इनिशियली खुद ही एज्यूम कर लेते थे कि थीटा जो हमारे पास डेटा सेट, जो हमारे पास एक वेक्टर है, इसमें थीटा नॉट की वैल्यू ये है, थीटा वन की ये है, एंड सो ऑन, जितने भी थीटाज हैं थीटा एन तक, फिर हम ये कहते थे कि अब इनकी बेस पे हाइपोथेसिस फाइंड करते थे, ठीक है जी, हाइपोथेसिस को देखते थे कि वो कितना दूर है ओरिजिनल आउटपुट से, वाई से, और ये हमें क्या करके देखता था, ये जो इनका डिफरेंस है कितना दूर है, ये जितने ज्यादा दूर होते तो कॉस्ट की वैल्यू ज्यादा आती है कॉस्ट फंक्शन की, जितना ये करीब करीब होते तो हम कहते हैं कि कॉस्ट की वैल्यू इतनी कम है, और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता था वो ये होता था कि हम कॉस्ट को जितना हम कम कर सकते हैं उतना करें, और उस टाइम देखें कि पैरामीटर्स की वैल्यू क्या है, उधर हम रुक जाते थे, और फिर हम कहते थे कि अब जो है हमारी हाइपोथेसिस इसमें पैरामीटर्स की वैल्यू ये है, अब कोई भी इनपुट दो बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर आपको आउटपुट जो है हाई वो हम प्रिडिक्ट करके देंगे, तरीका कार ये था। अब इसमें क्या है हमारे पास कि इसमें भी कॉस्ट होगा, कोई भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम उठाएं,
उसमें आपको नजर आएगा कि किसी चीज को आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन के साथ यू आर प्लेइंग अराउंड विद इट. फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल बी योर गोल विल बी टू मिनिमाइज द कॉस्ट फंक्शन. सो सेम हैपेंस हियर एज वेल. कॉस्ट फंक्शन के लिए हमारे पास जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हाउ टू चूज पैरामीटर्स, तो लीनियर रिग्रेशन में हमारा जो कॉस्ट फंक्शन था इट लुक्स लुक्ड समथिंग लाइक दिस. लीनियर रिग्रेशन का देखें, सो वी हैड 1/2 m और फिर समेशन i इज इक्वल टू 1 to m था, और फिर हमारे पास स्क्वेयर l माइनस y ऑफ i और उसका स्क्वेयर. ठीक है जी, ये था इफ यू रिमेम्बर. ठीक है, अब जो है इस केस में हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो ये मॉडल जो है स्क्वेयर एरर का, इसमें डेरिवेशन में प्रॉब्लम्स आएंगी. सो हम किसी और मॉडल की तरफ जाना चाहते हैं कि इसको जरा देखें. नहीं, इसमें हमारे पास ये जो था ना, ये टर्म, अगर मैं इस टू को भी यहाँ ले आऊँ तो इसका एवरेज में ले रहा हूँ, या इसको मैं थोड़ा नॉर्मलाइज कर रहा हूँ, नॉट एवरेज बट नॉर्मलाइज इट. सो आई कैन से दिस 1/2 इन दिस होल थिंग, दिस वॉज एक्चुअली अ फैक्टर जो डिसाइड कर रहा था कि मेरा जे ऑफ थीटा जो था वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज हो रहा है इसकी बेस पे, बिकॉज ये डिफरेंस बता रहा है ना दोनों का. डिफरेंस कम है, डिवाइड बाय टू आपने किया तो कॉस्ट की वैल्यू कम आई, डिफरेंस ज्यादा है तो ये ज्यादा आई. अब इसमें हमने करना कि लेट्स से कि हमारे पास ये जो फैक्टर है जो हमें कॉस्ट पे असरअंदाज हो रहा है, कॉस्ट फंक्शन पे, इसको हम कह देते हैं कि ये एक्चुअली वो कॉस्ट था जो हमारी हेल्प कर रहा था कॉस्ट फंक्शन को मिनिमाइज करने में. ऑलराइट, सो इसको लेट्स फॉर टाइमिंग लेट्स कॉल इट कॉस्ट. ठीक है जी, अब हमारे पास जो ये जो चीज है इसको हमने देखना है कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में ये क्या होगा. ये सेम है, नंबर ऑफ सैंपल्स पे आपने डिवाइड किया है, समेशन फॉर ऑल द सैंपल्स, बट व्हाट शुड वी हैव हियर. सो बिफोर वी गो देयर, लेट्स एज्यूम कि हमारे पास, बल्कि लेट्स लुक इनटू द बिहेवियर ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और फिर हम आते हैं कि इसमें हमारे पास कॉस्ट क्या होगा, उसकी तरफ आते हैं. सो अगर हम देखें ऑन हमारे पास जो हाइपोथेसिस है, ठीक है जी, इफ दिस इज ऑन एक्स एक्सिस एंड वी हैव अवर कॉस्ट ऑन वाई एक्सिस, सो व्हाट डू यू से कि हमने अगर प्रिडिक्ट करना है वाई इज इक्वल टू 1, प्रिडिक्ट हमारे पास y इज इक्वल टू 1 है डेटा सेट में, और हमने प्रिडिक्ट किया इफ दिस इज 0 एंड दिस इज 1 फॉर एग्जांपल, सो व्हाट शुड बी द कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी, नॉट फंक्शन, कॉस्ट कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी. अगर प्रिडिक्ट करना था y इज इक्वल टू 1 डेटा सेट में वैल्यू है कि फॉर सर्टेन x योर आउटपुट इज y, और आपने प्रिडिक्ट भी किया है, इधर मैं कहता हूँ एच थीटा, और आपने प्रिडिक्ट भी वाई किया वन किया, तो व्हाट डू यू थिंक के इज द कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी. एग्जैक्टली, आइडियल सिचुएशन में इट विल बी 0, ऐसा ही होगा. हम कहते हैं कि कॉस्ट, अगर कन्वेक्स फंक्शन हमने पढ़े थे, बल्कि कॉस्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इससे पहले भी, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना. तो मिनिमाइज आपको कब मिलेगा, जब आपकी प्रिडिक्शन और आपकी जो वाई की वैल्यू हो वो दोनों बराबर हो. तो आपके पास अगर एच ऑफ थीटा माइनस वाई आप करें, 1 - 1 करें, तो इससे आंसर 0 मिले आपको. ठीक है, अच्छा, अब आपने करना था, आपका वाई है 1 और आपने प्रिडिक्ट किया 0, अब आपकी कॉस्ट क्या आएगी, मैक्सिमम, बहुत ज्यादा होगी ना, तो हम कहते हैं कि इट विल बी समवेयर, वी डोंट नो कि कहाँ होगी, लेकिन इट विल बी अप देयर समवेयर. ठीक है जी, लेट्स से कि इट्स, वी से कि इट इज इंफिनिटी. ठीक है जी, सो इफ आई लुक एट दिस, सो आई कैन से कि माय मॉडल शुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि ऑन 0 इट शुड गिव मी द इंफिनिटी वैल्यू, एंड ऑन 1 आई शुड गेट अ वैल्यू इक्वल्स टू 0 व्हेन आई एम प्लॉटिंग इट हाइपोथेसिस अगेंस्ट द कॉस्ट फंक्शन. अब इसमें हो क्या रहा है कि ये जो है
अगर इसकी इस शेप को देखा जाए तो आप कहेंगे कि ये कैसे लगता है। तो ये अगर हम इसकी एनालिसिस करें बिटवीन 0 एंड 1 की एनालिसिस, तो इट लुक्स लाइक अ लॉग फंक्शन, ठीक है जी, लॉग ऑफ एक्स की तरह ये दिखता है, लेकिन नॉट लॉग ऑफ एक्स, इनफैक्ट माइनस लॉग ऑफ एक्स। लॉग ऑफ एक्स आपके पास होता ही हूं, ठीक है, क्रॉसेज इट दिस वे, दिस वन क्रॉसेज इट दिस वे। तो अगर आपने अगर सिग्नल सिस्टम्स पढ़ा हुआ है या आपने कैलकुलस पढ़ी है, तो उसमें आप क्या करते हैं, माइनस लॉग ऑफ एक्स, तो अगर ये लॉग ऑफ एक्स है तो माइनस लॉग ऑफ एक्स में दिखेगा, ठीक है। सो वी से कि वी रिक्वायर दिस फॉर द वैल्यूज ऑफ हाइपोथेसिस बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इट रीच हियर कि जब हम y आउटपुट मिले और हमारे पास प्रिडिक्ट भी y हो, 1 के इक्वल हो, प्रिडिक्शन भी 1 हो, सो वी से कि आवर कॉस्ट फंक्शन हैज रिड्यूस्ड और कॉस्ट की वैल्यू बहुत कम आई है, नाउ द पैरामीटर्स जो ट्यून हुए हैं वो ही सही पैरामीटर्स हैं। इफ यू लुक एट इट, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइपोथेसिस, सो आई नीड टू रिप्लेस माइनस लॉग ऑफ एक्स विद एक्स को रिप्लेस करना, ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद माय हाइपोथेसिस एच थीटा ऑफ एक्स। सेंस बना रहा है कुछ, ठीक है। सो इट मींस कि माइनस लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई रेस्ट टू पावर माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स, ठीक है जी। तो ये आपके पास आ जाएगा, सो इफ यू ड्रॉ इट, इट शुड लुक लाइक दिस। और इसमें कॉस्ट की वैल्यू कब रिड्यूस्ड होगी, अगर इससे आंसर आपको मिलता है, इससे आंसर आपको मिलता है, यू कैन यूज इट फॉर द कॉस्ट फंक्शन, इससे आपको मिनिमम आंसर मिलता है नियर टू जीरो। सो उस टाइम जो इसमें यहाँ पे जो पैरामीटर्स की वैल्यू है, थीटा नॉट, थीटा वन, जो भी है, अप टू सो ऑन, वही आपके ट्यून्ड पैरामीटर्स। अभी इसको जरा इक्वेशन में डालेंगे, फिलहाल सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि इसका बिहेवियर देख रहे हैं कि ये कैसे काम करता नहीं। इसमें भी इसको मिनिमाइज करना है नियर टू जीरो, द कॉस्ट जीरो के केस के लिए, उसमें आते हैं ना, उसमें इसको रखना है। अभी देखते हैं फॉर फॉर द केस, अभी जरा इस पे सोचते हैं जरा आप लोग, ये तो आपने ठीक है बता दिया। नेक्स्ट जरा देखें कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह हो, y इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, आपने आपका आउटपुट जो है वो जीरो है और आपने प्रिडिक्ट किया जीरो, तो इस टाइम कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी। एंड दिस इज माय फॉर एग्जाम्पल माइन एक्स थीटा ऑफ एक्स एंड दिस इज कॉस्ट, क्या कहते हैं आप, एग्जैक्टली, ठीक है जी। तो आपके पास जब हाइपोथेसिस, थोड़ा सा इसको, जब y की वैल्यू आपने जो हाइपोथेसिस थी, y जब जीरो था और आपने प्रिडिक्ट भी जीरो किया, तो यहां पर मैं क्रॉस लगाता हूँ, कॉस्ट मिनिमम होगी। जब इधर आउटपुट था 1 0, सॉरी जीरो, हम जीरो की बात कर रहे हैं ना, जीरो था और आपने 1 प्रिडिक्ट किया, ठीक है जी, ये 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो इधर आपकी कॉस्ट होगी मैक्सिमम, तो इसकी जो शेप बनेगी वो कुछ यू बन जाएगी। और अगर इसको देखें तो ये आपके पास माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, जब इसको प्लॉट करेंगे इस तरह दिखेगा, ठीक है। जरा देख लेते हैं कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ प्लॉटिंग की, तो ये ठीक है या नहीं है। दिस इज द पाइथन कोड, ठीक है जी, और ये हम ड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम 0.001 से लेके 1 तक, ठीक है जी, फॉर 100 इंस्टेंसेस। और इधर हम देखें तो ये है माइनस लॉग ऑफ एक्स के लिए, ठीक है जी, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो ये लिखा है माइनस लॉग ऑफ एक्स। इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये आपको कुछ दिखेगा किस तरह, हाँ ये आ गया, ठीक है जी, नजर आ रहा है ना, माइनस लॉग ऑफ एक्स। तो आप देख रहे हैं, इफ आई इंक्रीज इट, तो फिर आप देखेंगे कि
इट विल गो डाउन हियर। लेकिन हमारा जो वो है ऑब्जेक्टिव है, वो हमें तो आंसर मिल रहा है, और एक्स ऑफ जो हमारी हाइपोथेसिस है वो 0 और 1 के दरमियान है, दैट्स व्हाई वी नीड इट बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इफ आई वांट टू सी इट बिटवीन ये वाला माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। तो इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है जी, और इसको जो है हम अनकमेंट कर लेते हैं। अब जरा देखते हैं कि कैसे दिखेगा, ठीक है जी, आप देख रहे हैं फ्रॉम 0 to 1 माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, जस्ट इन केस इफ यू वांट टू प्ले अराउंड विद इट कि कैसे दिखता है, सो जस्ट ये कर दें कि इधर मैं माइनस हटा देता हूं, फिर देखता हूं कि कैसे लगता है। ऑब्वियसली वो थोड़ा फिर वो भी मुझे सेट करना पड़ेगा, देखें इस तरह, ठीक है, माइनस ना हो तो ऐसे लगता है, वो इससे पहले वाला जो मैंने कहा कि माइनस ना हो 7 तो वो कैसे लगता है वो भी जरा देख लें। ठीक है जी, इधर माइनस हटा देते हैं, माइनस लॉग ऑफ एक्स नहीं करते हैं, लॉग ऑफ एक्स करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। तो ये देख रहे हैं कि वाई जो है वो आपके पास नेगेटिव में जा रहा है, तो इसके हर पॉइंट को आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऊपर वाले जो आपके पास प्लॉट है वो शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, ठीक है। तो आई होप के यू अंडरस्टूड के कैसे दिखता है। ऑलराइट जी, नाउ फ्रॉम दिस जो अभी हमने किया, वी से के माइनस ये इक्वेशन हमारे पास थी लॉग ऑफ एच ऑफ माय हाइपोथेसिस व्हेन वाई इज इक्वल टू 1 और माइनस लॉग 1 माइनस माय हाइपोथेसिस व्हेन वाई वाज इक्वल टू 0, ठीक है जी, दैट दिस इज व्हाट आई हैव गॉट। नाउ इसको फिट कैसे करना है इन द कॉस्ट फंक्शन जे ऑफ थीटा, जो मेरा कॉस्ट फंक्शन है, इसमें हमने कहा कि 1 ओवर m और यहां पे उसको कैसे फिट इन करना है, समेशन था यहां पे और इधर हमने कहा था कि ये ओवरऑल कॉस्ट है, ठीक है, इधर इसको फिट इन करना है। लेकिन इसको फिट इन करने के लिए हमारी रिक्वायरमेंट है कि मैं ये ना करूं कि इसको अलग अलग जो है करूं, कि मैं कहूं कि जब y is equal to 1 है तो ये वाली इक्वेशन चलाओ, कि इधर मैं लिखूं सिर्फ के माइनस लॉग ऑफ h थीटा ऑफ x, दिस इक्वेशन इज फॉर y is equal to 1, एंड फिर मैं एक और इक्वेशन लिखूं जो y is equal to 0 के लिए हो और उसको मैं कहूं के माइनस लॉग ऑफ h थीटा ऑफ x, ठीक है, इधर 1 माइनस इस तरह मैं कहूं, तो ये थोड़ा सा जो है ना इट्स मुझे भी तंग करेगी ऑब्वियसली, और डेटा को ट्रेन में कैसे गिव कर पाऊंगा या इसके पास पैरामीटर्स की ट्यूनिंग में कैसे कर पाऊंगा, कॉस्ट कैसे फाइंड कर पाऊंगा, इट विल बी अ हेक्टिक प्रोसेस। तो मैं एक ही इक्वेशन लिखूं कि जब भी आपके पास y इज इक्वल टू 1 हो तो ये रह जाए, जब y इज इक्वल टू 0 हो तो ये रह जाए इक्वेशन, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन बनेगी किस तरह, अब जरा आप देखें इसको कि ये इक्वेशन बनेगी आपके पास, ये इक्वेशन अभी जरा देखिए, इक्वेशन जो आपको नजर आ रही है, कैसे बन रही है, एनी आइडिया? अगर मैं ये कर दूं कि जो मेरे पास कॉस्ट की फंक्शन है इसको मैं ये कर दूं कि दिस माइनस दिस, ठीक है, सॉरी माइनस कॉमन लीजिए, ठीक है, आपने क्या कर दिया कि इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास पहले वाले के साथ y मल्टीप्लाई है, जो पहले वाला हमने किया था log h of theta, और दूसरा 1 माइनस जो h of theta था log के साथ, उसके साथ हमने 1 माइनस y मल्टीप्लाई कर दिया। अब होगा क्या, जरा आप देखें इस इक्वेशन को देखें, अगर y की वैल्यू होती है 1, ठीक है जी, तो क्या होगा, ये इक्वेशन बन जाएगी 1 ओवर m समेशन i इज इक्वल टू 1 टू m, और क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 1 है तो log ऑफ क्या रह जाएगा, h थीटा ऑफ x i, और दूसरे इक्वेशन को देखिए प्लस वो 0 हो जाएगी, 1 माइनस y की वैल्यू है 1 तो वो हो जाएगा 0, तो आपके पास सिर्फ ये रह जाएगा। अब जब y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इस इक्वेशन को दोबारा देखेंगे, बिकम इट विल बिकम माइनस 1 ओवर m, और ये हो जाएगा 0, जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पहला टर्म आपके पास कंप्लीट 0 हो जाएगा और दूसरा वाला सिर्फ रह जाएगा 1 माइनस 0, तो ये 1 ही रह जाएगा और ये रह जाएगा log of 1 माइनस h थीटा ऑफ x i।
ठीक है जी, कि समझ आ रही है बात की? ठीक है, सो ये आपके पास जो कॉस्ट फंक्शन है जो हमने पढ़ा था इससे पहले भी, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सो पहले वाला का कॉस्ट डिफरेंट था लीनियर रिग्रेशन के लिए, फॉर लॉजिस्टिक रिग्रेशन दिस इज हाउ यू यू नीड टू रिप्रेजेंट इट। ये आपके पास, आपको ये याद होना चाहिए कि ये इसका कॉस्ट फंक्शन की इक्वेशन है। ठीक है जी, अब कॉस्ट फंक्शन आ गया तो क्या आप इस पे ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई कर सकते हैं? ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता था एल्गोरिथम में, क्या कहता था कि ये तो मैन्युअली आपने करना है ना, मैन्युअली बार बार आपने क्या करना है, थीटा की वैल्यूज को चूज करना है, कॉस्ट देखना है, कम हुआ नहीं हुआ, हो गया कम ठीक है, अगला अगली आइट्रेशन आइट्रेशन क्या मैन्युअली करो, फिर देखो फॉर सर्टन अदर वैल्यूज ऑफ थीटा, अब चेक करो कम हुआ नहीं हुआ, तो ये तो बड़ा टायरिंग प्रोसेस है ना। तो ग्रेडियंट डिसेंट हमें क्या कहता था याद है, कि हम कहते थे कि ग्रेडियंट डिसेंट में थीटा को अपडेट करना, थीटा आई माइनस, फिर हम क्या करते थे लर्निंग रेट डेरिवेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा आई विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट, याद है? तो वो इस पे भी अप्लाई होता है, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम है। इफ यू हैव कॉस्ट फंक्शन डेरिवेटिव लो, लर्निंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर उससे माइनस कर लो, अपडेट हो जाएगा। एंड करते जाओ कितनी आइटरेशंस के लिए करनी है। अभी जब आप ये जो आपको असाइनमेंट मिली हुई है, जब आप ये करेंगे तो आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू डू दिस एज वेल, बिकॉज यू नो नाउ द फॉर्मूला फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन कॉस्ट फंक्शन। सो ये आपको पता है तो आप ग्रेडियंट डिसेंट कर पाएंगे। अगर लीनियर रिग्रेशन के लिए कॉस्ट फंक्शन ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम आप अप्लाई उस पे कर सकते हैं, इस पे भी कर सकते हैं आप। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, कि इनको कैसे होगा, उसमें कॉस्ट क्या होगा। ठीक है जी, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि वी हैव टू मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ कॉस्ट फंक्शन फॉर आवर पैरामीटर्स थीटा जो भी है। सो लेट्स सी कि व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट। ये ग्रेडियंट डिसेंट जो मैंने अभी बात की, सो इसमें एक मजे की बात आपको बताऊं कि इफ यू सॉल्व इट, इफ यू डेरिवेट इट, कॉस्ट में आप इक्वेशन लगा लें, जे ऑफ थीटा की जगह कौन सी इक्वेशन लगा दें, ये वाली जो आपको नजर आ रही है, इसको अगर आप करेंगे और इसको डेरिवेट करेंगे तो सरप्राइजिंगली यू विल गेट द सेम इक्वेशन एज यू हैड फॉर हाँ फॉर लीनियर रिग्रेशन। कहाँ है ये वाली? एग्जैक्टली ठीक है जी, ये आपको वही मिलेगी, लेकिन फर्क क्या होगा? फर्क सिर्फ यही आएगा कि वहां पे हाइपोथेसिस क्या होती थी है, वो होती थी थीटा, अगर हम सिंपल मॉडल लें थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स फॉर एग्जांपल, ये था, इधर आपके पास होगा 1/1 प्लस ई रेस टू द पावर माइनस थीटा नॉट प्लस थीटा वन एक्स, इधर ही होगा। ठीक है जी, सो आपने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करो, सो ग्रेडियंट डिसेंट इक्वेशन इज सेम, ग्रेडियंट डिसेंट का तरीका का सेम है। ठीक है जी, ऑल यू नीड टू डू इज टू हैव दिस हाइपोथेसिस इक्वल्स टू द सिग्मॉइड जो आपने यूज किया, क्योंकि हाइपोथेसिस हमारे पास सिग्मॉइड है। ठीक है जी, सो इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपने परेशान इस पे नहीं होना है, अगर आपको ग्रेडियंट डिसेंट आता है फॉर्मूला तो ये आपने पढ़ा हुआ है, तो जस्ट सिग्मोइड का एक जो फंक्शन है वो लगा देना है हाइपोथेसिस की जगह, इट विल वर्क। ठीक है, इट विल वर्क। अच्छा जी, अब आते हैं एडवांस्ड ऑप्टिमाइजेशन पे। बहुत से एल्गोरिथम्स हैं एडवांस्ड, अब फर्क क्या है जो आपने ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा और वो एडवांस्ड एल्गोरिथम्स में, तो सब के सब जो भी आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो सब में आपको जो है कॉस्ट फंक्शन होगा कोई, जिसको मिनिमाइज करना होगा, जिस तरह हम इसमें भी कर रहे हैं, लेकिन आपके पास फर्क ये होगा कि ग्रेडियंट डिसेंट जो है वो सिंपल है, बाकी शायद आपको शायद नहीं क्योंकि बाकी काफी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स हैं, उधर आपके पास जो मैट्रिसेस होंगी उनके डायमेंशन शायद काफी जो है वो बड़े बड़े डायमेंशन के मैट्रिसेस को आपको डील करना पड़े, वो क्विक होंगे ग्रेडियंट डिसेंट से, क्योंकि ग्रेडियंट डिसेंट में आप बहुत सारे आइट्रेशंस करते हैं, आपने देखा है, उसमें शायद इतनी आइट्रेशंस ना हो लेकिन वो मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स होंगे और शायद कंप्यूटेशनली भी कॉम्प्लेक्स हों इससे। सो आपके पास सम ऑफ द एल्गोरिथम्स आर रिटन हियर, इफ यू वांट टू स्टडी इट हैव अ लुक एट इट कि हाउ दे वर्क। सो एडवांटेजेस आर
एडवांस्ड एल्गोरिथम्स का, कि उसमें लर्निंग रेट आपको पिक नहीं करना होता है, ये सिर्फ हम ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिथम में करते हैं कि लर्निंग रेट चूज करते हैं, और लर्निंग रेट की वजह से हमारे पास कभी कभार हमें वो ट्यून करना होता है हाइपर पैरामीटर्स को, वो देखना होता है कि वो क्या होना चाहिए उसकी वैल्यू। फिर जो एडवांस्ड एल्गोरिथम है वो नॉर्मली फास्टर देन ग्रेडियंट डिसेंट होते हैं। मैंने कहा ना कि ग्रेडियंट डिसेंट में वी हैव मेनी आइट्रेशंस कि कैसे उसको जो है मिनिमम की तरफ कॉस्ट को लेके जाया जाए। और दूसरा कि डिसएडवांटेजेस, ये एडवांटेजेस हो गए, और एडवांस्ड एल्गोरिथम की डिसएडवांटेजेस ये हैं कि वो काफी कम्प्लेक्स आपको दिखेंगे और होते भी हैं। ठीक है जी, अब आते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की तरफ। मल्टी क्लास, अभी आपने जो पढ़ा और जो देखा वो था बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन, व्हेन वी से बाइनरी क्लासिफिकेशन वी आर सेइंग कि वी आर प्रिडिक्टिंग इफ इट इज मैलिग्नेंट और बेनाइन, इफ इट इज ट्रू और फॉल्स, इफ इट इज स्पैम और नॉट स्पैम, ठीक है जी, इट इज कॉम्प्रोमाइज्ड और नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, ठीक है जी। सो अभी तक हमने ये किया। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में आपके पास यू विल बी हैविंग मल्टीपल क्लासेस, कि जिसमें आपके पास यू विल प्रिडिक्ट इंस्टेड ऑफ ओनली टू क्लासेस, कि जिसमें आपके पास है कि 0 और 1, नाउ यू विल योर वाई विल बिलोंग टू फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, समथिंग लाइक दिस, और मे बी मोर देन दैट। 0 कुछ हो सकता है, 1 कुछ हो सकता है, 2 कुछ हो सकता है। इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, सो इट इज बिनाइन, और जी अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं कि इसमें आपके पास वाई शुड बिलोंग टू सम डिफरेंट क्लासेस या इट हैज डिफरेंट वैल्यूज। हम कह सकते हैं कि 0 इज रिप्रेजेंटिंग फॉर एग्जाम्पल बिनाइन, दिस इज फॉर एग्जाम्पल स्टेज 1 का कैंसर हुआ, ये स्टेज 2, ये स्टेज 3 एंड 4, कि किस स्टेज का है, अगर है तो किस स्टेज का है। ठीक, तो ये आपके पास, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टी क्लास। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि वेदर जो है रेनी है, सनी है, क्लाउडी है, ठीक है जी, या हम ये कह सकते हैं कि कार है, एरोप्लेन है, कार्ट है कोई, ठीक है जी, या वैन है, या बस है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। सो नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल क्लासेस या मल्टी क्लास। तो इसमें आपके पास जो इफ यू लुक एट इट, सो यहाँ पे जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सो बाइनरी वर्सेस द मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन, दोनों में फर्क, लेबल डेटा, सो हम सुपरवाइज लर्निंग पढ़ रहे हैं, तो लेबल डेटा है ये, कोई एक आपके पास दो फीचर्स हैं उसकी बेस पे, एक दो फीचर्स हैं उसकी बेस पे आप इसको यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। अब आपके पास वही दो फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ वो जो हम ट्यूमर साइज का पार्ट, ट्यूमर साइज एंड द एज, उसकी बेस पे अब आपके पास तीन डिफरेंट कैटेगरीज आ रही है, वन इज बेनाइन, वन इज स्टेज 1 एंड स्टेज 2, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस। सो यहां पे आपके पास अब तीन डिफरेंट क्लासेस हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन। अब अगर मैं आपको X1 और X2 की इंफॉर्मेशन दूं फीचर्स की, आप मुझे बता सकते हैं ये है या नहीं है, या स्टेज 1 है या स्टेज 2 है, फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, ठीक है। सो इसको हम कहेंगे मल्टी क्लास एंड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। कोई भी आपको इनपुट दे दिया गया, उसकी बेस पे आप बताएंगे कि ये किस क्लास के साथ इसका ताल्लुक है। फाइन, सो देयर आर मल्टीपल एल्गोरिदम्स व्हिच डील मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। अभी तक जो आपने पढ़ा वो बाइनरी के लिए पढ़ा, और बाइनरी के लिए आपने पढ़ा कौन सा, आपने बाइनरी क्लासिफिकेशन पढ़ी राइट, और उसमें हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ी। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो एक तरीका है उसको कैसे बाइनरी पे इम्प्लीमेंट होता है, बाइनरी पे यूज होता है। सो बट द एल्गोरिदम्स, आप जैसे आपने शायद नाम सुना हो रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर के, नाम सुना है रैंडम फॉरेस्ट, बड़ा कॉमन एक क्लासिफायर है हमारे पास, या बेज, नाइव बेज, ये भी एक आपके पास क्लासिफायर है। ये जो है मल्टीपल जो, या मल्टी क्लास के लिए ये यूज होता है। जी कुछ क्वेश्चन है?
इनकी वैल्यूज में वन और जीरो के नहीं, ऑब्वियसली नहीं, ठीक है ना। इसकी वैल्यूज जो है आपके पास डिपेंड करता है एल्गोरिथम पे। अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ही यूज कर रहे हैं तो फिर तो यही होगा ना कि 0 और 1 के दरमियान ही होगा। अभी हम देखेंगे, हाइपोथेसिस जो है उसकी वैल्यू तो हमेशा 0 और 1 के दरमियान ही आनी है ना, तो आप फिर उसमें कैसे चूज करते हैं वो विल सी। वो वन वर्सेस ऑल एक मेथड है, वो अभी हम देखेंगे। सो बस फॉर टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड के आपके पास मल्टीपल है। इफ यू आर डीलिंग विद मल्टीपल क्लास क्लासिफिकेशन तो यू कैन यूज, यू कैन लुक एट द एल्गोरिथम सच एज रैंडम फॉरेस्ट एंड द नाइव बेस। इफ यू आर डीलिंग विद बाइनरी क्लासिफायर, और आपने अभी तो जो हमने किया हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के मेथड से किया, सो यू कैन लुक फॉर SVM, वेरी पावरफुल क्लासिफायर, सपोर्ट वेक्टर मशीन। नाम सुना है आप लोगों ने SVM, बड़ा कॉमन है। SVM बाइनरी क्लासिफायर, मल्टी क्लास के लिए यूज नहीं होता है, ठीक है जी, बाइनरी है। बट इसका जो है इसको आप यूज तब करते हैं जब आपके पास डेटा सेट छोटा होता है। मींस के आपके पास व्हेन यू हैव द इंस्टेंसेस या नंबर ऑफ सैंपल्स m की जो वैल्यू है, व्हेन दिस इज स्मॉल इट विल नॉट वर्क, इट विल गिव वेरी वियर्ड रिजल्ट्स व्हेन द नंबर ऑफ सैंपल्स आर इंक्रीज्ड, ठीक है जी। ये इसकी खासियत है तो ये याद रखिएगा। सो व्हेन द सैंपल्स आर लेस, सो दिस इज अ वेरी पावरफुल बाइनरी क्लासिफायर। However, there are various strategies that you can use to perform multi-class classification using multiple binary classifiers. आप binary classifiers को use करके multi-class वो हम देखेंगे कैसे हम use कर सकते हैं, ठीक है जी। जो सबसे common method है और सबसे powerful method है उसको हम करते हैं, कहते हैं one versus all। ये जो आपको नजर आ रहा है, this strategy is called one versus all। ये basically binary classifier ही, अभी तक जो आपने पढ़ा logistic regression का तरीका for binary classification जो आपने पढ़ा वही तरीका है, लेकिन इसको कैसे किया जाता है we'll talk about it, but the most common one is one versus all strategy जो use किया जाता है for multi-class classification। In one versus all what you do, let's have a look at it, क्या आप क्या करते हैं। For example there is a very famous example जहां पे आप जो है prediction करते हैं, आपको नंबर्स दे दिए जाते हैं फ्रॉम एनी एनी डिजिट्स एंड यू टेल इट, यू टेल के 0, 1, 2, 3 अप टू 9, ठीक है जी। और आप बताते हैं कि ये 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, ठीक है। तो अगर इस सिनेरियो में हम देखें तो ये मल्टी क्लास का ही प्रॉब्लम है कि आपको जो है बताना है कि बेस्ड ऑन द फीचर्स के 0 किस तरह दिखता है, गोल राउंड होता है या जैसे भी, ठीक है। 3 है तो किसी ने फॉर एग्जाम्पल 3 की शक्ल इस तरह बना दी, तो अब बताओ भाई ये 3 है या नहीं है, ठीक है। तो आप क्लासिफायर डिटेक्ट करें कि ये 3 ही है। सो ये इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ मल्टी क्लासेस, यू हैव फ्रॉम 0 to 9 टोटल 10 क्लासेस हैं आपके पास। तो आपके पास जो इनपुट दे रहे हैं फॉर एग्जाम्पल ये इनपुट दिया, तो ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, जो जिस क्लास से बिलोंग कर रहा है वही जो है आपकी वो वैल्यू है, ठीक है, आउटपुट आ जाए। तो वन वर्सेस ऑल में ये होता है कि व्हेन यू वांट टू क्लासिफाई एन इमेज जिसमें इस तरह की तस्वीर हो, यू गेट द डिसीजन स्कोर फ्रॉम ईच क्लासिफायर फॉर दैट इमेज एंड यू सेलेक्ट द क्लास हुज क्लासिफायर आउटपुट्स द हाईएस्ट स्कोर। आपने मशीन को ट्रेन करना है फॉर 0 के 0 है या नहीं है। हम जिस तरह कहते थे कि ट्यूमर मलिग्नेंट है बिनाइन है, ट्यूब इतना 1 हम कहते थे, y इज इक्वल टू 1 तो हम कह देते थे कि y इज इक्वल टू 1 तो हम कह देते थे कि इतना परसेंट जो आउटपुट आता था हाइपोथेसिस, वो हमारे पास उसकी कुछ वैल्यू आती थी 0.5 से ग्रेटर, तो हम कह देते थे कि अगर 0.5 से ग्रेटर है तो y 1 है, अदरवाइज y 1 नहीं है, ये कहते। तो इसमें आप कहेंगे कि हाई आपने जोन सा भी मेथड लगाया, आपने क्लासिफायर को ट्रेन किया फॉर 0, अब आपने इमेज दे दिया 0 तो वो कहेगा कि 0 है या नहीं है। तो 0 वो कहेगा तब, कब कहेगा कि ये 0 है, जब हाइपोथेसिस की वैल्यू 0.5 से ग्रेटर आ रही हो, तो वो कहेगा कि हाँ इतना परसेंट चांस है कि ये 0 है, ठीक है जी। 1 पे आपने मॉडल ट्रेन कर दिया, 2 पे कर दिया, सबके लिए कर दिया, तो आपको 10 जो है क्लासिफायर्स यूज करने होंगे, बनाने होंगे फॉर ऑल द 10 डिजिट्स आपने उसको ट्रेन करना है।
क्वेश्चन है जी. सो इसको हम कहते हैं कि वन वर्सेस ऑल. अभी हम देखेंगे इसको डिटेल के साथ कि वो किस इधर इधर आप अगर इसको पढ़े ना तो आपको समझ आ जाएगी कि वन वर्सेस ऑल भी हम इसके बाद जरा इसको एक स्लाइड दो में देखेंगे भी, क्योंकि ये सबसे कॉमन मेथड है और ये आपको एटलीस्ट ये आना चाहिए अगर आप मल्टी क्लास की तरफ जाते हैं. सो अब आपने क्या किया कि आपने फॉर एग्जाम्पल ये थ्री वैल्यू है ये गुजार दिया सब क्लासिफायर से. सब क्लासिफायर से गुजर गया हर एक क्लासिफायर. वो एक क्लासिफायर है कि जीरो है या नहीं है, वन है या नहीं है, टू है या नहीं है, थ्री है या नहीं है. आपने इन सब से इसको गुजारा. सब ने आपको हाइपोथेसिस की वैल्यू दी. इसने फॉर एग्जाम्पल दी 0.3, इसने दिया 0.2, इसने दिया 0. फॉर एग्जाम्पल 4, इसने दिया 0.8, इसने आगे वालों ने फॉर एग्जाम्पल दिया 0.6. ठीक है जी, सबका कंपेरिजन होगा कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है. दैट वुड बी योर आंसर के इट इज 3. नाउ वी नीड टू फाइंड एच थीटा ऑफ एक्स की वैल्यू कौन से क्लासिफायर से मैक्सिमाइज होती है. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मिनिमम वैल्यू एंड इट इज नॉट अ कॉस्ट फंक्शन. इट इज द हाइपोथेसिस व्हिच इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट व्हिच डिजिट इट इज या मल्टी क्लास में कौन सा है. गेटिंग द पॉइंट राइट. के हाइपोथेसिस की बेस पे हम हाइपोथेसिस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस अगर हम अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करें माइनस थीटा ट्रांसपोज एक्स. इसमें हमने वैल्यू इंसर्ट की आउटपुट आपको मिला था हाइपोथेसिस का. आपने देखा कि वो कौन सा इस क्लासिफायर हर एक क्लासिफायर के लिए आप कर रहे हैं कौन सा आपको ज्यादा वैल्यू देता है. सो वो आपका आंसर हो जाता है. सो देन देयर इज अनदर मेथड इट्स कॉल्ड वन वर्सेस वन मेथड. वन वर्सेस वन ये है कि मैं सबसे पहले क्या करूं कि मैं उठाऊं जीरो और वन को. ठीक है जी, और इन दोनों का क्लासिफायर बनाऊं. ठीक है, जीरो और वन का जो मुझे प्रिडिक्शन करके दे कि ये जीरो है या वन है. अगला मैं बनाऊं क्लासिफायर जीरो और टू का, अगला मैं बनाऊं जीरो और थ्री का, अगला मैं बनाऊं जीरो और फोर का, अप टू जीरो नाइन. फिर इसके बाद मैं आ जाऊं वन टू का, वन थ्री का, एंड सो ऑन अप टू वन नाइन. अगला मैं बनाऊं टू थ्री का, क्योंकि टू वन तो ऑलरेडी हो चुका है ना यहाँ पे. ठीक है ना. सो ये आपके पास आपको इतने क्लासिफायर बनाने होंगे. इसको कहते हैं वन वर्सेस वन क्लासिफायर. ठीक है, तो इतने आपको बना ये स्ट्रेटजी वन वर्सेस वन स्ट्रेटजी. कितने क्लासिफायर आपके ख्याल से फॉर दीज मैनी आपको कितने क्लासिफायर्स चाहिए होंगे. एनी आइडिया. नहीं, टेन तो ये हो जाएंगे 0 1 0 2 0 3 100. नहीं ना, 100 इसलिए नहीं कि देखें 0 9 तक आप आ गए, फिर 1 0 नहीं है क्योंकि 1 0 ऑलरेडी हो चुका है, फिर 1 1 भी नहीं है, 1 2 है. ठीक है ना. सो इसका जो फॉर्मूला है कि कितने क्लासिफायर तो देखा भी हुआ है, n मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2. सो इसके लिए जो होंगे ये 45 आंसर आएगा मेरे ख्याल से. देख लीजिएगा. ठीक है. सो इसके लिए आपको इतने क्लासिफायर्स चाहिए होंगे. सो इट्स अ वेरी ट्रबलसम तरीका इफ यू आर डीलिंग इट. सो मेरे ख्याल से वन वर्सेज ऑल वॉज अ कंपेरेटिवली गुड वन. यू नीडेड ओनली 10 क्लासिफायर्स फॉर दैट. ठीक है जी. अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास ये SVM की हमने बात की. सो इधर लिखा हुआ है कि सम एल्गोरिदम सच एज सपोर्ट वेक्टर मशीन क्लासिफायर्स स्केल पुअरली विद द साइज ऑफ द ट्रेनिंग सेट. सो फॉर दीज एल्गोरिदम्स वन वर्सेस वन इज प्रेफर्ड सिंस इसके लिए वन वर्सेस वन सिंस इट इज फास्टर टू ट्रेन मेनी क्लासिफायर्स ऑफ स्मॉल ट्रेनिंग सेट्स देन ट्रेनिंग फ्यू क्लासिफायर्स ऑन लार्ज ट्रेनिंग सेट. फॉर मोस्ट ब्राइनी क्लासिफायर एल्गोरिदम हाउएवर वन वर्सेस ऑल वर्क्स प्रीटी फाइन. ठीक है जी. अच्छा जी, ये है आपके पास वन वर्सेस ऑल. अगर इसको मैं देखूं कि मेरे पास तीन क्लासेस हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसमें आपके पास डिसीजन इसका तरीका क्या होगा. तरीका का बड़ा सिंपल है. आपको इससे पहले बाइनरी क्लासिफिकेशन आपने सीख ली है तो ये करना आपके लिए बड़ा आसान है. कैसे कि आप किसी फेल को आप जो है मतलब उधर अगर आप
इससे पहले जो हम कहते थे फिर रिमेम्बर वी हैड x1 x2 दो फीचर्स थे और उसकी बेस पे हम क्या कह रहे थे 0 0 0 0 क्रॉस 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 डिसीजन बाउंड्री आप बना रहे थे, याद है आपको? ठीक है जी. इन दिस नाउ यू हैव थ्री क्लासेस. सो आई हैव दिस अगर मैं इसको दिस एंड अनदर वन फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक दिस हियर. ठीक है जी. तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इन किसी दो को मैं सेम कंसिडर करूंगा और उसका मुकाबला मैं कर पाऊंगा जो आपने डिफरेंट रखा हुआ. सो ये दो अगर मैं सेम कंसिडर करता हूँ माय डिसीजन बाउंड्री वुड कम हियर, और वही तरीका लगाता हूँ जो इससे पहले मैंने किया बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए. समझ आ रही बात है? फिर नेक्स्ट मैं ये करता हूँ इन दो को सेम लेता हूँ और इसको डिफरेंट इनकी बाउंड्री में डिफाइन करता हूँ, तो बाउंड्री इधर आ गई. फिर नेक्स्ट मैं इन दो को सेम लेता हूँ और इसको डिफरेंट बाउंड्री ये आ गई. ठीक है जी, ये हो गया आपके पास. अब आपके आगे तीन बाउंड्रीज आ गए. अब मैं कहता हूँ कि इससे इधर है तो इस क्लास में आ रहे हैं, इससे ऊपर है तो इस क्लास में आ रहे हैं, इससे इस तरफ है तो इस क्लास में आ रहे हैं. अब इसमें हमारे पास हाइपोथेसिस आएंगी, जिस तरह मैंने इससे पहले भी बात की, तीन हाइपोथेसिस आएंगी क्योंकि तीन डिसीजन बाउंड्रीज है ना. तो आपके पास हाइपोथेसिस आएंगी एच थीटा ऑफ एक्स. ठीक है जी. लेट्स से के फॉर फर्स्ट वन फर्स्ट क्लासिफायर लेट्स कॉल इट एच थीटा ऑफ वन फॉर फर्स्ट क्लासिफायर वन घर लिख लेता हूँ. ठीक है जी. सो ये आई आपके पास 0.7, दूसरा आया आपके पास 0.6, तीसरा आया 0.2. सो विच एवर इज मैक्सिमम तो वो वाला आपके पास जो है ना आपका क्लासिफाई उधर हो रहा है और डेटा जो है आपका जो आपके पास इनपुट दे रहे वो बिलोंग्स टू दैट क्लास. समझ आ रही है बात की? सिंपली आपने जो इससे पहले बाइनरी क्लासिफिकेशन पढ़ी है वही इधर यूज हो रही है. जस्ट आपको करने का तरीका क्या है कि उसी को यूज करके आप मल्टीपल क्लासेस के लिए मल्टी क्लास के लिए इसको कर रहे हैं, वही एग्जैक्ट वही तरीका है. जी जी. कौन सी वाली? ये वाली जो होगी. हाँ, इसमें तो आपके पास 10 होगी ना, मतलब 0 और रिमेनिंग सारे, फिर 1 और रिमेनिंग सारे, मतलब बाउंड्रीज आएंगी. तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके लिए 10 क्लासिफायर 10 या 9 में से इतने होंगे. अगर ये 3 है तो इधर 3 आ रहे हैं, इधर भी 10 आएंगे फिर. ठीक है. तो इसको ऐसे समझ लेना कि 0 यहाँ पे कहीं प्लेस हो रहा है, 1 यहाँ पे हो रहा है, 2 यहाँ पे हो रहा है, 3 यहाँ पे हो रहा है. तो 0 को आपने शुरू में किया और बाकी सब को सेम कंसिडर कर दिया. 1 आपने ले दिया बाकी को सेम, यही तरीका. ठीक है. सो इसमें आपके पास जब हम बात करते हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपोथेसिस एंड हाइपोथेसिस की वैल्यू याद रखें कि वी आर नॉट कंसीडरिंग प्रोबेबिलिटीज हियर. ठीक है जी. ये सारी है हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस की वैल्यू आपके पास यू नो कि 0 और लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर यूज कर रहे हैं तो 0 और 1 के दरमियान आ रही है उसकी आंसर और उनका जो सम है वो 1 से एक्सीड हो सकता है. अगर एक फॉर एग्जाम्पल यही केस लेंगे 0.7 0.6 0.2. सो दीज आर नॉट द अगर प्रोबेबिलिटीज की मैं बात करूंगा कुछ एल्गोरिदम्स में आपको प्रोबेबिलिटी की बात नजर आएगी. वो कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर एग्जाम्पल के किस इस क्लास के साथ बिलोंग करता है दैट इज दिस मच एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बिलोंग्स टू दिस वन इज दिस मच एंड प्रोबेबिलिटी दैट इट बिलोंग्स टू दिस वन दिस क्लास इट इज दिस मच. सो sum of the probabilities should be equal to 1. But here we are not talking about probabilities. We are actually talking about the hypothesis. So what we should do, we should say, okay, whichever classifier gives you the maximum of hypothesis is the class that the answer should, or the data should be on. So aapko inputs mein. Okay. So yeah, another method is called softmax. Softmax exactly इसी तरह ही है बट हेयर वी डील विद द प्रोबेबिलिटीज. ठीक है जी. यही आपके पास आंसर्स आ गए. लेट्स यूज द सेम आंसर्स एंड सी व्हाट हाउ द सॉफ्टमैक्स डील्स विद इट. लेट्स सी. आपने कहा कि एक हाइपोथेसिस आपके पास आया 0.7, दूसरा आया 0.6 and 3 is 0.2 for example.
या 0.2 इसको कर दें 4 कर दें, ठीक है। सो हमने चूज किया जो अभी आपने मेथड देखा वन वर्सेस ऑल, उसमें आपने किया x व्हिचएवर इज ग्रेटर फॉर x थीटा ऑफ x मैक्स ऑफ i, किस क्लासिफायर ने मैक्सिमम दिया हाइपोथेसिस। सॉफ्ट मैक्स में ये होता है कि वी वांट टू टॉक इन प्रोबेबिलिटीज, कि आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी है, ये वैल्यूज इनको कैसे प्रोबेबिलिटी में चेंज किया जाए। इट इज वेरी सिंपल, यू फॉर एग्जांपल टेक एनी वेरिएबल लेट्स कॉल्ड या ऐसे कहते प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ एक्स थीटा वन ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 0.7 डिवाइडेड बाय ऑल द हाइपोथेसिस दैट यू हैव, ठीक है जी। फिर अगला फॉर द नेक्स्ट वन, फॉर द सेकंड वन 0.4 डिवाइडेड बाय दिस होल एंड देन 0.2 डिवाइडेड बाय दिस होल। सो नाउ वी आर टॉकिंग इन प्रोबेबिलिटीज, इफ यू ऐड देम इनके जो आंसर्स आएंगे, इफ यू ऐड देम टुगेदर इट इज गोइंग टू, इट शुड बी इक्वल टू 1। सो नाउ व्हिच वी से के हमने एक्चुअली वो सॉफ्ट मैक्स में वी आर टेकिंग द मैक्सिमम, नाउ whichever has maximum probability that is our class, theek hai, that's why we call it soft max, max is representing the probabilities and soft because now hum wo decision boundary ke jhanjhat se hat gaye and we are talking in probabilities, to probability mein to fir boundaries ki baat nahi kar sakte, fir hum baat karte hain values ki, ke iski kitni probability hai, iski kitni hai, zeros aur 1 ke darmiyan sum isme equal to 1 hona chahiye, theek hai। So softmax को वैसे study करें, it will be a helpful tool if you want to talk in probabilities। अच्छा जी, multi-level classification ये आप लोग neural networks में पढ़ेंगे। So आपके पास for example वो जो हमने शुरू में बात भी की थी कि now we are talking about the multiple labels, कि आपने कभी एक for example एक picture ले रहे हैं, एक इस class में मैं for example computer vision का कोई एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड है, न्यूरल नेटवर्क बैक एंड पे फॉर एग्जांपल चल रहा है या डीप न्यूरल नेटवर्क, तो मैं चाहता हूं कि इस क्लास में हर एक को क्लासिफाई किया जा सके, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल खिजरा बैठी है, तो ये इनकी एक पिक्चर हो, फ्रेम में कहा जाए कि खिजरा है, फॉर एग्जांपल आप हैं, आप मैडम बैठी हुई है, ठीक है जी। तो उसका जो वैक्टर होगा वो आपके पास फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल मल्टी लेबल लेबलिंग इसकी, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल इफ द फर्स्ट वन इज वो खिजरा की बात हो रही है, ठीक है जी। इधर फॉर एग्जाम्पल अली आए हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है जी। कौन नहीं है, मलिहा नहीं है, ठीक है जी। एंड तो क्या है इसमें हमें यहाँ पे 1 1 0 1 1 1 इस तरह कुछ वैल्यूज मिल जाए। सो इसका मतलब ये है कि इनको डिटेक्ट किया और ये डिटेक्ट नहीं हुआ। सो ये मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन इसको कहते हैं। आपने लेबल्स डिफाइन किए हुए कि ये लेबल जो है ये 1 होगा या 0 होगा, ये फॉर एग्जांपल खिसरा की बात हो रही है, ये लेबल जो है ये अली की बात हो रही है, ये लेबल जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग मलिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। सो इसको कहते हैं फिर मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। इससे पहले हम 0 1 की बात कर रहे थे कि या मैलिग्नेंट है बेनाइन है, नहीं है। फिर हाइपोथेसिस में हमने बात की कि जिसकी हाइपोथेसिस ज्यादा है वो आपके पास। अब इधर लेबल लेबलिंग हो रही है बाकायदा के आपको बताया जा रहा है कि जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया, ठीक है जी। सो आई थिंक वी शुड एंड हियर, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वी विल टॉक अबाउट द सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आपको हेल्प करेंगी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को इम्प्लीमेंट करने में, एंड स्पेशली इफ यू आर यूजिंग सम डेटा सेट फ्रॉम कैगल या कहीं और से आपने अगर डाउनलोड किया उसमें उसमें आपकी बड़ी हेल्प करेगी। अभी तो हम जो आपको असाइनमेंट भी मिली है तो बड़ा एक छोटा सा डेटा सेट है उस पर हम बात कर रहे हैं। सो जब रियल प्रॉब्लम की तरफ आएंगी तो उनको कैसे डील किया जाएगा वो इंशाल्लाह हम देखेंगे।